हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज जो हम रैंक रेंज की बात करने वाले हैं वो ये है कि 2000 से 18,500 रैंक रेंज के बीच में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। मतलब अगर आपकी रैंक 2000 से लेकर के 18,500 के बीच आई है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट और जो DNB है उसमें आपको क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं। अगर आपको रेडियो डर्मा मेडिसिन पीडिया चाहिए तो वो आपको कम फीस में कहाँ कहाँ पे मिल सकती है, कितनी फीस आपकी हो सकती है, इसी पे आज की डिस्कशन रहेगी। आगे बढ़ने से पहले, जो भी स्टूडेंट्स 18,000 के 500 के बाद जिनकी रैंक है उनके लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। आप लास्ट वीडियो जो है, प्रीवियस वीडियो, वो चेक कर सकते हो। उसमें आपको आपके लिए जो ऑप्शंस हैं वो आपको पता लग जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रैंक रेंज बिटवीन 12,000 टू 18,500 के बीच में क्या क्या ऑप्शंस हैं। नाउ अगर आपके लिए बात करें तो गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा में, अगर आप जनरल कैटेगरी, पहले ऑल इंडिया कोटे की बात कर रहे हैं फिर आएंगे हम DNB ऑल प्राइवेट पे। तो ऑल इंडिया कोटे में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए रेडियो डर्मा, जनरल मेडिसिन पीडिया, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, एमरजेंसी मेडिसिन और OBGY, ये ब्रांचेस पॉसिबल नहीं है। राइट, 12,000 टू 18,500 इसमें आपको OBGY, एमरजेंसी मेडिसिन और रेस्पिरेटरी मेडिसिन जो है ये आपको लास्ट राउंड में मिल सकती है। पीडिया भी लास्ट राउंड में मिल सकती है, जो कि एक रिस्की कॉल हो सकता है। बट जनरल सर्जरी, ऑर्थो, ऑप्थल, ENT, एनेस्थीसिया और साइकेट्री जैसे ब्रांचेस जो हैं वो आपको थर्ड राउंड, सेकेंड राउंड तक भी मिल जाएंगी। अगर आप OBC और या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रेडियो डर्मा मेडिसिन आपके लिए भी टफ रहेगा, बट पीडिया आपको जो है वो थर्ड राउंड में मिल सकती है। जनरल सर्जरी, ऑर्थो, ऑप्थल, ENT, एनेस्थीसिया, साइकेट्री, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, एमरजेंसी मेडिसिन आपको इजिली मिल सकती है। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रेडियो और डर्मा ये दोनों ब्रांचेस के लिए थोड़ी सी फाइट रहेगी आपके लिए, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में आपको मिल सकती है, बट जो बाकी के ब्रांचेस हैं वो आपको इजिली मिल जाएंगे। ऑल इंडिया कोटा ST कैटेगरी की बात करें तो आपके लिए सभी ब्रांचेस आपको ऑल इंडिया कोटे में मिल जाएगी। नाउ अगर हम स्टेट कोटे की बात करें तो जनरली स्टेट कोटे की जो प्योर गवर्नमेंट सीट है वो ऑल इंडिया कोटे से कम जाती है। ऑलमोस्ट ऑल ओवर स्टेट्स की हम बात करें तो कुछ कुछ स्टेट्स की जो स्टेट कोटा की ये है जो चांसेस होते हैं वो या तो ऑल इंडिया कोटा या ऑल इंडिया कोटा के पीछे जा सकती है। जैसे कि आसाम हो गई, या वेस्ट बंगाल हो गई, या फिर कुछ हद तक जो है वो MP हो गई। इसमें आप थोड़ी सी जो है चीज़ें को लेकर के चल सकते हैं कि वो ऑल इंडिया के बराबर चली जाए। बट जनरली बाकी जितने भी स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र हो गई, महाराष्ट्र हो गई, राजस्थान हो गई, दिल्ली हो गई, कर्नाटका हो गई, इनमें जितने भी GMCs है, नॉट सेमी गवर्नमेंट, GMCs जो है, जो गवर्नमेंट मेडिकल प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इन इनमें जो है वो जनरली आपको ऑल इंडिया कोटा से कम ही कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो पर देख लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर आप स्टेट कोटे से देख रहे हैं तो देयर आर प्रोबेबिलिटीज कि जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको रेडियो डर्मा मेडिसिन पीडिया, रेस्पिरेटरी, इमरजेंसी मेडिसिन और OBGY आपको स्टेट कोटे से गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी। सेमी गवर्नमेंट मिल सकती है, गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, बट जनरल सर्जरी, ऑप्थल, ENT, एनेस्थीसिया, सेक्रेटरी ये आपको गवर्नमेंट भी मिल सकती है। ना OBC और EWS कैटेगरी की बात करें तो आपको स्टेट कोटा से रेडियो डर्मा मेडिसिन पीडिया, OBGY, इमरजेंसी मेडिसिन और रेस्पिरेटरी नहीं मिलेगी। और तो जनरल सर्जरी, ऑप्थल, ENT, एनेस्थीसिया, साइकेट्री आपको मिल सकती है एक लिमिटेड रैंक रेंज तक। ऐसा नहीं कि 18,500 पे जनरल को भी मिल जाएगी, ऐसा पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम है। SC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो रेडियो डर्मा जो है वो उसकी पॉसिबिलिटीज नहीं होगी, बाकी ब्रांचेस की पॉसिबिलिटीज रहेगी। और ST कैटेगरी के लिए सभी की पॉसिबिलिटीज रहेंगी, सभी ब्रांचेस के लिए। अब DNB की बात करें तो DNB में रेडियो और डर्मा जो है वो नहीं मिलेगी जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी सभी ब्रांचेस मिल जाएंगी। EWS और OBC कैटेगरी की बात करें तो अगेन रेडियो और डर्मा नहीं मिलेगी, बाकी सभी ब्रांचेस मिल जाएगी। आप लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मिलने के चांसेस रहेंगे, मेडिसिन, पीडिया, ये सब आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मिलने के चांसेस रहेंगे। ST और SC कैटेगरी को, जो SC कैटेगरी को रेडियो नहीं मिलेगी बट बाकी सभी ब्रांचेस मिल जाएंगे, गवर्नमेंट मिलेगी ऑब्वियसली। ST कैटेगरी को सभी ब्रांचेस मिल जाएंगी, गवर्नमेंट मिलेगी। MBA डिप्लोमा सभी ब्रांचेस मिल जाएगी। प्राइवेट की बात करें, जस्ट इन केस आपको रेडियो डर्मा लेनी है और आपको गवर्नमेंट में नहीं मिल रही तो इन दैट केस आपके पास प्राइवेट का ऑप्शन रहेगा। अब प्राइवेट के जो ऑप्शन रहेंगे वो 14 लाख टू 22 लाख की फीस स्ट्रक्चर में आपको मिल सकती है।
यूपी, हिमाचल प्रदेश, पौंडीचेरी, हरियाणा जैसे स्टेट्स में आपको मिल सकती है। एक बात और, हरियाणा की फीस अभी तक 14 लाख की है, बट ये इंक्रीज होकर के 20 लाख पर एनम हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। डीम्ड यूनिवर्सिटी मेडिसिन और पीडिया की बात करें तो लो फीस स्टेट्स में मिल जाएगी। मेडिसिन, पीडिया या बाकी ब्रांचेस जो है, ऑर्थो, सर्जरी, ईएनटी, ऑप्थल, एनेस्थीसिया, रेस्पिरेटरी इमरजेंसी मेडिसिन, ये सब आपको लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस में मिल जाएगी, जैसे कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स हैं जहाँ 10 लाख 12 लाख की फीस स्ट्रक्चर होती है। डीम्ड की बात करें तो डीम्ड में रेडियो डर्मा आपके लिए 35 लाख पर एनम की जो कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 35 लाख पर एनम है वो कॉलेजेस मिल सकती है, या फिर जनरल मेडिसिन और पीडिया की बात करें तो जो कॉलेजेस की फीस 25 लाख पर एनम फीस स्ट्रक्चर है वो सब आपको जो है डीम्ड में मिल सकती है फॉर मेडिसिन एंड पीडिया। अब आते हैं दूसरे रैंक रेंज, जिसमें कि 8,000 से 12,000 रैंक रेंज को रखा गया है। 8,000 से 12,000 रैंक रेंज के बीच में अगर आप ऑल इंडिया कोटा देख रहे हो तो गवर्नमेंट में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रेडियो, डर्मा और मेडिसिन पॉसिबल नहीं है, बट बाकी के ब्रांचेस आपको मिल जाएगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रेडियो, डर्मा नहीं मिलेगी, बट उसके अलावा मेडिसिन, पीडिया, ये सारे ब्रांचेस आपको मिलने के चांसेस हैं। थोड़ी दूर मिल सकती है, बॉन्ड आपको देखना जरूरी रहेगा, ज़्यादा बॉन्ड वाली स्टेट्स मिल सकती है, थोड़ा आउटर ईस्टर्न स्टेट्स वगैरह मिल सकती हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो सारे ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे। गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट कोटा की अगर हम बात करें, DNB और NBE डिप्लोमा जो है वो तो शादी आपको मिल ही जाएगी। स्टेट कोटा से बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जनरली रेडियो, डर्मा, जनरल मेडिसिन आपको मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस, बट बाकी ब्रांचेस आपको मिल जाएगी। EWS और OBC कैटेगरी की बात करें तो रेडियो, डर्मा नहीं मिलेगी, बाकी ब्रांचेस जैसे मेडिसिन है तो वो अंडर 9,000 रैंक वाले को मिल जाएगी, बट 9,000 के ऊपर जो रैंक रहेगी उनको मिलने में दिक्कत होगी, बाकी सारी ब्रांचेस मिल जाएगी। SC कैटेगरी को अंडर 10,000 रैंक तक को रेडियो, डर्मा मिल जाएगी, 11,000 को भी आप मान सकते हो रेडियो, डर्मा मिल जाएगी, बट उसके अलावा जिनकी रैंक 10,000 11,000 के बाद है उनको बाकी के ब्रांचेस रेडियो, डर्मा छोड़ के बाकी के ब्रांचेस मिल जाएंगी। ST कैटेगरी की बात करें तो स्टेट कोटा में सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी। DNB की बात करें तो जनरल कैटेगरी को रेडियो, डर्मा मिलने में मुश्किल होगी, बट बाकी के ब्रांचेस मिल जाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल मिलेंगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट भी मिलेगी। OBC EWS कैटेगरी को रेडियो, डर्मा नहीं मिलेगी, बाकी सारी ब्रांचेस मिल जाएगी। DNB में SC और ST कैटेगरी को सारी ब्रांचेस मिल जाएगी, NB डिप्लोमा सारी ब्रांचेस मिल जाएगी। प्राइवेट की बात करें तो रेडियो, डर्मा आपको लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस में मिल जाएगी, लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बाकी सारे ब्रांचेस भी आपको लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस में मिल जाएगी। डीम्ड की बात करें तो डीम्ड में जो KMC, रामाचंद्रा, चेन्नई, कलिंगा, ये सब मिलना थोड़ा टफ रहेगा आपके लिए, रेडियो, डर्मा स्पेशली, बट बाकी के ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे कम फीस, आई मीन दीज आर द टॉप हॉस्पिटल्स, दीज आर द टॉप कॉलेजेस अंडर डीम्ड, तो ये आपको मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी सारे ब्रांचेस मिल जाएगी। और आपको अगर रेडियो डर्मा लेनी है तो आपके लिए फीस जो है वो 30 लाख पर एनम तक डीम्ड में जाएगी। प्राइवेट में आप जाओगे तो आपको 12 लाख की फीस में भी मिल जाएगी और 12 लाख 10 लाख इनकी फीस में भी मिल जाएगी। अब अगर हम रैंक रेंज बिटवीन 4,000 to 8,000 की बात करें, ऑल इंडिया कोटा में जनरल कैटेगरी को रेडियो, डर्मा मिलेगी, बट थर्ड राउंड तक मिलेगी, थर्ड से फोर्थ राउंड तक मिलेगी, एक रिस्की कॉल रह सकता है, बट बाकी सारे ब्रांचेस आपको इजीली मिल जाएंगे। बाकी सारे ब्रांचेस के लिए आपको जो है वो बॉन्ड जो है वो आपको देखना जरूरी रहेगा, 2 साल 3 साल की बॉन्ड आ सकती है। EWS OBC कैटेगरी के लिए रेडियो, डर्मा भी मिल जाएगी, थोड़ा सा रिस्क रह सकता है क्योंकि थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड में मिलेगी, बट बाकी के जो ब्रांचेस है वो आपको इजीली मिल जाएगी। SC कैटेगरी की बात करें तो सारी ब्रांचेस मिल जाएगी, ST में भी सारी ब्रांचेस मिल जाएगी। DNB की बात करें तो जनरल कैटेगरी को रेडियो, डर्मा मिल जाएगी, बट थोड़ा दूर मिल सकती है, हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उनका इतना अच्छा हो नहीं, फुटफॉल्स इतने अच्छे हो नहीं, और जो स्टेट में आप ढूंढ रहे हो सकता है वो स्टेट में आपको ना मिले, बट देयर आर चांसेस कि आपको मिल तो जाएगी। बाकी की बात करें तो पॉसिबिलिटीज जो है वो बाकी ब्रांचेस आपको इजिली मिल जाएगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मिल जाएगी, अबव 500 बेडेड हॉस्पिटल्स आपको मिल जाएंगे। DNB, EWS और OBC कैटेगरी की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स पॉसिबल हैं आपके रैंक रेंज में, और अगेन आपके लिए भी जो दिक्कत आएगी वो ये आएगी कि जो फुटफॉल्स हैं वो हो सकता है उतने अच्छे ना हो, इंफ्रा वगैरह उतनी अच्छी ना हो, तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है,
रेस्ट ऑल द ब्रांचेस पॉसिबल, बाकी के सारे ब्रांचेस आपको अच्छे कॉलेजेस हॉस्पिटल्स में मिल सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पॉसिबल है, अबव 500 बेडेड हॉस्पिटल्स पॉसिबल है, एससी कैटेगरी के लिए सभी ब्रांचेस पॉसिबल है, प्राइवेट में लो फीस कॉलेजेस सारे पॉसिबल हैं, डीम्ड में केएमसी और रामाचंद्रा के लिए थोड़ी सी फाइट रह सकती है, थोड़ा सा डाउटफुल रह सकता है, बट बाकी सारे जो है वो आपको मिल जाएंगे, केएमसी रामाचंद्रा भी आपको मिल जाएगी मुझे लगता है, केएमसी की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी 2000 टू 4000 रैंक की बात करें तो सारे ब्रांचेस आपको मिलेंगी, आपकी फाइट रहेगी कि आपको कौन सी स्टेट मिलती है, कौन सी सिटी मिलती है, आपकी फाइट रहेगी कि कैसे आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज मिलती है या नहीं मिलती, खास करके रेडियोडर्मा के लिए, बाकी ब्रांचेस के लिए आपको मिल सकती है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज तो नहीं, बट जो टीयर टू सिटीज हैं, लो बॉन्ड स्टेट्स हैं, वो आपको मिलने के चांसेस हैं, बॉन्ड आपकी एटलीस्ट 2 ईयर की आ सकती है, और अच्छे कॉलेजेस भी आपको मिलेंगे। ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा के लिए सारे ब्रांचेस पॉसिबल है, रेडियोडर्मा भी मिल जाएगी, रेडियोडर्मा डिसेंट कॉलेजेस में पॉसिबल है, जिसमें पेशेंट लोड भी एवरेज रहेगा, अबव एवरेज रहेगा, कॉलेजेस आपको अच्छे मिल जाएंगे, बट मेट्रो सिटीज दिल्ली मुंबई चेन्नई इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, बैंगलोर ये सब में थोड़ी आपको दिक्कत आएगी। एससी एसटी कैटेगरी को मेट्रोज भी मिल जाएगी। डीएनबी की बात करें तो सारी ब्रांचेस अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में मिल जाएगी, रेडियोडर्मा भी आपको अच्छे बहुत अच्छे हॉस्पिटल में मिल जाएगी, टॉप के हॉस्पिटल्स में, अच्छी सिटीज में मिल जाएगी। प्राइवेट की बात करें तो सारे ऑप्शंस आपके पास प्राइवेट में अवेलेबल रहेंगे और डीम्ड में भी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। नाउ 2000 से कम जिनकी रैंक है, लाइक 1 to 2000, रैंक 1 to 2000, रैंक 1 के लिए 2 के लिए तो ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, बट 1 से लेकर के अगर 2000 रैंक की बात करें तो आपके लिए तो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आपकी फाइट रहेगी कि लो बॉन्ड स्टेट नो बॉन्ड स्टेट्स जो हैं उसमें कैसे आपको कॉलेजेस मिले, आपकी फाइट रहेगी कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कैसे मिले, दिल्ली के कॉलेजेस या कोलकाता के जो टॉप के कॉलेजेस हैं, चेन्नई के जो कॉलेजेस हैं या फिर कर्नाटका के जो टॉप के कॉलेजेस हैं वो आपको कैसे मिले, ये चीजें जो है वो उसके लिए आपकी फाइट रहेगी, यूपी के हरियाणा के जो कॉलेजेस हैं, रोहतक के जीएमयू, इन सब के लिए आपकी फाइट रहेगी बिल्कुल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, जैसा मैंने कहा कि इस वीडियो में 18,500 रैंक तक को कवर किया गया, इसके बाद वाले रैंक में अगर आप आते हैं तो आप हमारी जो इससे पहले की वीडियो है, प्रीवियस वीडियो या रिसेंटली प्रीवियस वीडियो, लास्ट वीडियो, उनको आप चेक कर सकते हो, उनमें आपको आपके लिए जो ऑप्शन है वो पता लग जाएगी। एट द सेम टाइम अगर आपको आपकी कॉल करियर मीडिया से कनेक्ट नहीं हो रही है और आपको ऐसा लगता है कि करियर आपको आपकी पॉसिबिलिटीज जाननी है, प्रोबेबल कॉलेजेस जाननी है, तो आप करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia पे जाकर के रजिस्टर कर सकते हो, वहाँ पे आपको कॉलेज प्रिडिक्टर मिलेगी, कॉलेज प्रिडिक्टर में आप अपनी रैंक, कौन सी ब्रांच लेना चाहते हो, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन सी काउंसलिंग के थ्रू आप लेना चाहते हो, स्टेट काउंसलिंग या ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग या डीम्ड काउंसलिंग जो भी है वो डालोगे, तो आपको वो प्रोबेबिलिटीज बता देगा कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, उनमें कितनी फीस होगी वगैरह वगैरह, जैसे डिटेल्स, बॉन्ड स्टाइपेंड एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू। और अगर आप कॉलेजेस की फुटफॉल्स वगैरह के लिए जानना चाहते हो तो भी आप करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।